हुए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई है, तो वहीं जनता के साथ संयम से बात करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि छोटी छोटी समस्याओं का अपने क्षेत्र में ही निराकरण करें। वहीं राजस्व विभाग की समीक्षा में सारंगढ़, बस्तर और खैरागढ़ कलेक्टर को फटकार लगाई है। इस दौरान कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अधिकारियों को फटकार भी लगाई है और नियम कानून में कसावट लाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि आम लोगों को सुविधा मिल सके। तो बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कलेक्टरों ने योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है, फिर भी हम संतुष्ट नहीं हैं, हमें और भी आगे करना है। सभी कलेक्टरों से आग्रह किया है कि जरूरतमंद तक योजनाओं को पहुंचाना है। वहीं मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार पर भी निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर बैठक को लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि कांग्रेस जनहित के मुद्दे और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रही है, इसकी वजह से सरकार डर गई है। 9 महीने की असफलता को देखते हुए बैठक रखी गई है। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से बात होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उसके पहले सुनिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा। सरकारें समय समय पर अपने कामों की समीक्षा करती है और यहाँ पर 2 दिन का कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। आज ये पहला दिन था और आज इस पहले दिन में हमारे प्रदेश के सीएस श्री अमिताभ जैन, हमारे सीएम सेक्रेटरी, विभिन्न विभागों के सचिव, जिलों से कलेक्टर्स, जिला पंचायत के सीओज और निगम के कमिश्नर और राजस्व के कमिश्नर, इतने लोगों का ये कॉन्फ्रेंस था जिसमें सवेरे से विभागवार बहुत अच्छे से समीक्षा हुई है। हमारे कलेक्टरों ने अपने अपने जिलों में सरकार की योजनाओं के संबंध में क्या क्या किए हैं, कहां कहां तक पहुंचे हैं, सबकी विस्तार से जानकारी दी है। और हम कह सकते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उसका बहुत अच्छा उन्होंने अपने अपने ज़िले में योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, हम लोगों को और आगे करना है और इसके लिए हमने सबको आगाह भी किया है, उनको निवेदन भी किया है कि जो सरकार की योजना है उसको 100% ज़रूरतमंदों तक पहुंचाएं। कोई भी ज़रूरतमंद एक भी ऐसा नहीं बचना चाहिए छत्तीसगढ़ के अंदर जो मतलब सरकार की योजनाओं से वंचित हो। और कल स्पीच भी आएंगे तो प्रदेश के कानून व्यवस्था पर भी कल चर्चा होगी। देखिए, अच्छा काम करेंगे तो उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा और गलत काम करेंगे तो उनको दंडित भी किया जाएगा। सर, वित्त विभाग से चिट्ठी चली है, शायद वो चिट्ठी का वादा था, उसे ब्रेक लगा सकता है, कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, हम लोग रोजगार देने की बात बोले हैं तो देखते रहिए। बिल्कुल, क्या सरकार बनने के बाद 9 महीने की सरकार कंप्लीट हुई है, क्या कितनी बार इस सरकार ने कलेक्टर और एसपीओ की बैठकें और कॉन्फ्रेंस ली गई, सवाल नंबर एक। जिस तरह से कांग्रेस लगातार जनहित को मुद्दा को उठाते हुए बिगड़ते कानून व्यवस्था को उठा रही है लगातार, सड़कों पर लड़ाई लड़ रही है, इसी का नतीजा है कि सरकार डर गई, डरी हुई है और कलेक्टर और एसपीओ को निर्देशित, कड़े निर्देशित कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं इसका परिणाम है जो पिछले 9 महीने की सरकार की विफलता को देखते हुए ये बैठकें रखी गई और कड़े निर्देश दिए गए। तो चलिए आज उसी मुद्दे पर बड़ी बहस करेंगे और उससे पहले हमारे आज के मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। जावेद खान, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ इस बड़ी बहस में जुड़ चुके हैं और प्रीति स्वर्णकार, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ चुकी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज छत्तीसगढ़ की इस बड़ी बहस में। सबसे पहले प्रीति स्वर्णकार जी, आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि जिस तरह से
दो दिवसीय कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया जा रहा है। आज ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस हुई है, पहली बार हुई है छत्तीसगढ़ में, लेकिन इसको लेकर देखिए सवाल बहुत ज्यादा विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं कि सरकार को आए हुए 9 महीना हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अब जाके ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की जा रही है जो शायद 3 से 4 महीने के अंदर कर देना चाहिए था। क्या प्रतिक्रिया है आपकी और क्या जवाब देना चाहेंगे आप कांग्रेस को? देखिए, पहली बात कि छत्तीसगढ़ में जब भाजपा की सत्ता आई है तब से जो अभी तक बिगड़े हुए काम थे उसको धीरे धीरे सुधारा जा रहा है, और दूसरी बात उसके तुरंत बाद ही विधानसभा के बाद जो भी मंत्रालय घोषणा हुआ उसके बाद फिर लोकसभा आ गया है, लोकसभा में भी 2 महीने का आचार संहिता चुनाव का हो गया उसके बाद उसके रिजल्ट में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो होती ही है क्योंकि विधानसभा लोकसभा के बीच में मात्र 5-6 महीने का ही अंतर था। तो अभी आप देखेंगे तो सदस्यता अभियान चल रहा है, उसके बीच में भी जो समीक्षा बैठक के कार्य बांटे गए थे, कार्य अपने लय से चल रहे थे, जिस तरीके से मान लो के राजस्व विभाग हो गया, के शिक्षा विभाग हो गया, के स्वास्थ्य विभाग हो गया, कार्यों की समीक्षा भी तो जरूरी है, जो कार्य प्रगति पे जा रहे हैं जो हो रहे हैं उसकी समीक्षा भी तो जरूरी है। अगर समीक्षा हुई है तो उसमें क्या इश्यू है, कोई भी कार्य हम कहीं पर भी करते हैं तो उसका समीक्षा तो होता ही है, समीक्षा के बाद ही परिणाम पता चलता है कि कार्य कितनी गति से हो रहे हैं, धीमे हो रहे हैं तो बिल्कुल, अब जैसे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा बोला गया है कि जो भी कलेक्टर होंगे जो जनसेवा के लिए, देखिए जो कोई भी प्रतिनिधि होता है वो जनसेवा के लिए होता है, चाहे वो कलेक्टर हो सब हो, उनको हर जो भी अपनी सेंट्रल की या स्टेट की जो भी योजनाएं आती है उसको जन जन तक पहुंचाना उनका कार्य होता है। अगर वो कहीं ना कहीं धीमी गति में हो रहा है तो बिल्कुल उनको डांट फटकार बिल्कुल लगेगी ही कि जो योजनाएं आ रही हो उस टाइम से जनता के बीच में पहुंचे, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं हो या फिर राजस्व विभाग किसी भी विभाग की योजनाएं हो, तो इसमें मेरे ख्याल से कहीं कोई ऐसा इशू नहीं होना चाहिए। समीक्षा होने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा कार्य धीरे हो रहा है या कौन से कार्य में गति लाने की आवश्यकता है। ठीक है, जावेद खान जी, क्यों आरोप लगाए जा रहे हैं? 9 महीने का वक्त हुआ है लेकिन अब चीजों को देखना भी जरूरी होता है, चीजों को समझना भी जरूरी होता है, एनालिसिस करना होता है, उसके बाद फिर इस तरह की बैठकें होती हैं, तो लेकिन इसमें कांग्रेस को दिक्कत क्या है? नमस्कार अपूर्वा जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को, साथी मीडिया पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार जी। मैं आज आपके माध्यम से विष्णुदेव साय जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने जो 6 महीने से कांग्रेस कह रही थी, लगातार कह रही थी कि आपकी योजनाएं जो हैं जन जन तक नहीं पहुंच रही है, इस करिए आज करीब 9 महीने के बाद इन्होंने समीक्षा की और हमारे आरोप जो ये कहते थे आरोप लगाते हैं, हमारे आरोपों पर अपना मुहर लगाने का कार्य विष्णुदेव साय जी ने का वो समीक्षा के बाद स्वयं उन्हें यह लगा कि कहीं ना कहीं हम विफल हैं, इसीलिए तो कलेक्टरों को डांट पड़ी है, फटकार पड़ी है और उन्हें कहा गया है कि अच्छे से कार्य करिए। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अफसरशाही के दम पर कोई भी सरकार चलती है, योजनाएं चलती है। अब प्रदेश की अफसरशाही को तो आज यही नहीं समझ में आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है, सरकार दिल्ली से चल रही है कि सरकार राजधानी रायपुर से चल रही है, कि बीच में एक सुपर सीएम भी नाम आया था कि सुपर सीएम चला रहे थे। इसका जीता जागता उदाहरण तो यह है ना, आज भी 2 मंत्री पद खाली हैं, यह सरकार भर नहीं पा रही है। शिक्षा मंत्री के रूप में हमारे सांसद जी जो पद छोड़ के गए हैं वो मुख्यमंत्री जी के पास है, आज वो शिक्षा मंत्री नहीं ढूंढ पा रहे, जबकि ये बहुत बड़े जिम्मेदारी वाला पद है, वो नहीं जो ढूंढ पा रहे हैं। और दूसरी बात, जो योजनाएं हैं उन योजनाओं की घोषणा जरूर हुई है लेकिन क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। मैं मानता हूं दो जो मोदी की गारंटी थी उस पे इन्होंने काम किया है, एक किसानों को 3100 रुपया धान देने का कार्य किया, दूसरा मातारी वंदन योजना पे कुछ हद तक कार्य किया, लेकिन उसके अलावा अगर 18.5 लाख आप आवास की बात कहेंगे तो केवल घोषणाएं ही है। अभी अब पैसा रिलीज हो रहा है, अब रिलीज होने के बाद में कब बनेगा और कितना समय लगेगा यह अभी कोई नहीं जानता। जिस तरह से राजस्व के मामले में उन्होंने सवाल उठाया, आज देखिए जमीन रजिस्ट्री पे 30% की छूट भूपेश सरकार ने दी थी, कहीं ना कहीं आम जनता को उसका लाभ मिलता था, ये छूट को खत्म कर दिए। राजस्व में कहीं ना कहीं इसी को लेकर के भी दिक्कतें आ रही है, तो जनहित ऐसी भूपेश सरकार की सारी योजनाओं को बंद करने का कार्य इन्होंने किया, उसके एवज में मोदी की गारंटी के नाम पर केवल 2 चीज को पूरा किया, उसके अलावा बाकी मोदी की गारंटी तो धराशायी हुई हुई है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज ये कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, पहले 25,000 करोड़ रुपए लिए,
अब 35,000 करोड़ रुपए लेने जा रहे हैं, जिस गति से ये चल रहे हैं उस गति से तो 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा होगा। मतलब प्रत्येक छत्तीसगढ़ वासी के सर पर 1 लाख रुपए का कर्जा ये दे करके जाएंगे। तीसरी, कर्जा लेने के बाद भी आज विभागों में ये तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। कांकेर का मेडिकल कॉलेज में तनख्वाह नहीं, दो दो महीने से डॉक्टरों को तनख्वाह नहीं मिली है, स्वास्थ्य मितानिनों को 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है। ठीक है, जावेद जी, आपके पास मैं वापस आऊंगी। प्रीति स्वर्णकार जी कुछ कहना चाहती हैं, शायद आपके तमाम सवालों के जवाब हैं उनके पास, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। जी प्रीति जी, देखिए इनका हर टॉपिक में बस यही मुद्दा रहता है कि सरकार कौन चलाता है। पहले तो मैं जानकारी के लिए बताती हूँ कि सरकार को जनता बनाती है, मुख्यमंत्री को जनता बनाती है, तो ऑब्वियसली जनता के हिसाब से ही सरकार चल रहा है। जितने भी कार्य हो रहे हैं जनता के जो भलाई है या जनता की जो मांगे है उसी को लेकर ही सरकार आगे कार्य कर रही है। जैसे कि राजस्व विभाग हो गया, शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, भले अभी इसके लिए कोई मंत्री नहीं क्योंकि बृजमोहन जी सांसद में चले गए हैं, तो पर इसको अलग अलग जो मंत्री हमारे हैं उनको अलग अलग विभाग की जवाबदारी अभी तक दी रखी है। शायद भाई साहब को इन्फॉर्मेशन नहीं है इसका, अलग अलग विभाग का जानकारी सबको अलग 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 दिया है प्रभार क्षेत्र के, अभी इसकी निगरानी जो रखेंगे। और दूसरी बात, जैसे आप लोगों ने 5 साल में क्या किया, अगर आप लोगों की बात में मुद्दा है, आपने तो अभी स्वीकारा है कि मोदी जी की गारंटी पूरी हुई, जब मोदी जी की गारंटी से सरकार बनी है, मोदी जी की योजनाएं जन जन तक पहुंच रही हैं, तो मोदी जी की गारंटी तो पूरी हुई है, तो आप ही खुद स्वीकार रहे हैं। कभी आप दूसरी पेंद्रे में ये बोलते हैं कि मोदी जी की क्या गारंटी, कौन सी गारंटी पूरी हुई, मोदी जी ने तो जो महतारी बंदी योजना की गारंटी दी थी वो तो साय जी की सरकार में ही पूरी हुई ना, तो जनता के हित के लिए तो शायद सरकार काम कर ही रही है। और रही प्रधानमंत्री आवास योजना, आप लोग की सरकार में तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो मकान बनने के लिए परमिट में अपने शेयर नहीं दिए थे, सेंटर का पैसा भी उन्होंने वापस भेज दिया था, कम से कम यहाँ सरकार उस योजना को पुनः जीवित करके पुनः घर बनाने निर्माण बनाने के लिए फंड रिलीज, तो ये तो पहली विधानसभा में हो चुका था फंड रिलीज, तो जब जैसे सेंटर का पैसा है तो ये चालू हो रहा है और काम चल ही रहा है कहीं ना कहीं। और जो लोग छूटे हुए थे इससे पहले जो लिस्ट निकली थी उसमें भी उन लोग का भी अगले माह तक सबका नाम उसमें जुड़ जाएगा, तो सारी योजनाएं तो प्रॉपर चल ही रही है, चाहे वो धान का हो, जो धान का जो बकाया बोनस मिला था वो भी पूरा हुआ है, और सबसे बड़ी बात किसान भाइयों के लिए ई पोर्टल नाम की जो योजना स्टेट गवर्नमेंट ने विष्णु देसाई जी की सरकार ने किया है कि उसमें कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। आपकी सत्ता में क्या था बताइए मुझे, कि दूसरी स्टेट से अगर कोई किसान कुछ आवत यावत खरीदता है या कोई फसल बिक्री करता है या कुछ खरीदता है तो उसको आधा पैसा तो ऊपर ही ऊपर में खत्म हो जाता है, ये कम से कम पारदर्शिता है उसमें। पारदर्शिता में डायरेक्ट कोई भी किसान अपनी फसल को दे करके जो उसका मूल्य बाजी है, जो पर्टिकुलर उसका मूल्य है, वो सीधा उसके खाते में जा रहा है, सारी चीज में पारदर्शिता तो है ही है ना। चाहे वो महतारी बंधन योजना का पैसा सीधा खाते में आता है, वो भी पारदर्शिता है। जब सरकार थी तब पीएम आवास का काम भी काफी ज्यादा पिछड़ गया था, ऐसा बीजेपी का कहना है, कांग्रेस को लेके क्या कहना चाहेंगे? और अभी जिस तरह से प्रीति जी ने तमाम आपके सवालों के जवाब दिए, कुछ सवाल भी उनकी तरफ से खड़े किए गए हैं। देखिए अपूर्वा जी, साथी प्रवक्ता जो बात कह रही है मुझे तो हंसी आती है। दिल बड़ा रखिए आप अपना, मैंने कहा ना दो योजनाओं के बारे में, मैंने कहा बिल्कुल ये दो योजना, अरे 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 मैंने तो आपको बोला ही नहीं कि मोदी जी ने, अपूर्वा जी ऐसे ऐसे में डिबेट नहीं हो पाएगी ना, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी, ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी। आप भाजपा की प्रवक्ता को कहिए कि गरिमा बना करके रखें, डिबेट की गरिमा बनाए, मैंने पूरा सुना, ठीक है जावेद जी मेरी भी बात रखें। ये पीएम आवास की बात कहते हैं, 55 लाख करोड़ रुपया जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार से हमको नहीं मिला, जिस वजह से ये काम अटका। आज डबल इंजन की सरकार है, सदासद इनको पैसा मिल रहा है तो काम कहीं ना कहीं ये चालू करने की स्थिति में आए हैं, चालू तो अभी एक भी नहीं हुआ है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि विभागों का बंटवारा, अरे भैया इनको तो यह तक नहीं पता साथी प्रवक्ता को, आज भी दो विभाग दो मंत्रालय ऐसे जो खाली पड़े हैं, और जनता के हिसाब से चलने वाली सरकार बता रहे हैं, तो जनता चाहती है वो दो विभाग में मंत्रालय में मंत्रियों का बैठाया जाए, कब बैठाएंगे ये, 5 साल बीतने के बाद बैठाने की सोचेंगे क्या? तीसरी बात ये कह रहे हैं कि हमारी योजनाएं, अरे भैया मोदी की गारंटी, अरे 450 रुपए में गैस सिलेंडर मोदी की गारंटी थी, क्या हुआ वो तो अभी तक पूरी नहीं हुई ना।
आप कह रहे थे किसानों का कर्ज माफ और दूसरा उनका सब्सिडी जो उनको मिल रहा था, आज भी 71,000 किसान प्रदेश में ऐसे हैं जिनको आपका सब्सिडी का पैसा नहीं मिला है। उसके अलावा आज आपने जनहितैषी भूपेश सरकार की कौन कौन सी योजनाएं बंद कर दी वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, सबसे पहले इन्होंने गोबर खरीदी बंद कर दी, महंगाई भत्ता बंद कर दिया, बिजली बिल हाफ योजना बंद कर दी, नरवा गड़वा गुड़वा बाड़ी योजना बंद कर दी, गौठान योजना बंद कर दी। कहीं ना कहीं इन योजनाओं से प्रदेश की जनता को तो लाभ हो रहा था। ठीक है, हमारी इस योजनाओं में अगर कहीं कोई कमी थी आप उसकी समीक्षा करते, समीक्षा करके उस उन योजनाओं को अच्छे से क्रियान्वित करते, जनता को तो उसका लाभ मिलता। लेकिन आज आप एक बात बताइए, ये सारी योजनाओं को बंद करके आपने कौन सा लाभ दिया है? आप 33,000 शिक्षकों की भर्ती का बड़ा बड़ा ढिलोरा पीटते हैं, आज प्रदेश की बेरोजगार कटोरा लेकर के भीख मांगने पर मजबूर है, बीएड डीएड के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ तनख्वाह नहीं मिल रही है लोगों को, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, आज अपराध इतने बढ़ गए हैं कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं, और आपकी सरकार को तो आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक, आपके ही सांसद पत्र लिख करके आईना दिखा रहे हैं कि मोदी की गारंटी पूरी नहीं हो रही है। वही कह रहे हैं कि आपने महंगाई भत्ता और डीए की बात की थी, नहीं पूरा हो रहा है। विजय बघेल कहते हैं कि कर्मचारियों से मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूंगा आंदोलन करोगे तो। वही ब्रिजमोहन अग्रवाल जी है, कहते हैं सीमेंट के दाम 50 रुपया बढ़ गए। अभी इससे पहले एक डिबेट में बैठा था मैं अपूर्वा जी, साथी एक भाजपा प्रवक्ता कहते हैं हमारे नियंत्रण में नहीं। अरे भैया, अगर आपके नियंत्रण में कुछ नहीं है तो आपके नियंत्रण में क्या है? जब आपके नियंत्रण में नहीं है तो फिर क्यों सरकार चला रहे हो? छोड़ दो भाई, दूसरे को मौका दो, हम बताते हैं आपको सरकार कैसे चलाते हैं। चुनी हुई सरकार को, कांग्रेस की सरकार को आपने ईडी आईटी सीबीआई के दम पर तो बदनाम करके सत्ता हासिल कर ली, लेकिन सरकार चलाना नहीं आ रहा है। कारण मैंने स्पष्ट पहले भी कहा कि आज भी ब्यूरोक्रेट्स को यह समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कौन चला रहा है। दिल्ली से चल रही है, मोदी शाह के इशारे पे चल रही है, कि विष्णु जी के इशारे पे चल रही है, कि कौन सी सुपर सीएम है उनके इशारे पर चल रही है। आज इसीलिए तो इनके मंत्री सांसद इनसे सवाल पूछ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, ठीक है ठीक है, प्रीति जी गौ तस्करी को लेके जितने नियम बने हैं ये हमारी सरकार में बने हैं। भाजपा की सरकार ने जो सुधार किया है नियमों में, जिसमें गौ तस्करी को रोका जाए, ये भी भाजपा की बहुत बड़ी एक उपलब्धि है जिसे रोका जाए। दूसरी बात, बीएमएफ का फंड, जब राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में कांग्रेस की सत्ता थी तब जो बीएमएफ फंड था इन्होंने उसका इतना घोटाला किया, जो राज्य मितान योजना थी उसमें इन्होंने वो पैसा को यूज कर लिया, पर बीएमएफ फंड से जो जनता के हित के लिए कार्य होने थे वो सब नहीं हुए हैं। और गोठान की योजना, गोठान योजना में मैं बता देती हूँ, एक जो पशु होता है, जो गोठान में एक पशु रहता है, उसके पीछे में 39 लाख का उन्होंने एक फंड रिलीज किया, जिसमें एक पशु के पीछे में तीन तीन चरवाह लगाए हुए थे। बताइए, एक गाय के पीछे में तीन चरवाह, क्या एक गाय को संभालने के लिए तीन तीन लोग लगते हैं? उसमें भी इन्होंने घोटाला किया। जो नरवा घुरवा बाड़ी की बात कर रहे हैं, जिसमें गोबर का सूटकेस बना करके छत्तीसगढ़ की जनता को इन्होंने लूट करके गोबर का सूटकेस में भर करके दिल्ली अपने हाई कमांड को भेजा, उसका हिसाब किताब कौन देगा जो छत्तीसगढ़ राज्य में जितना कर्जा चढ़ा? और 5 साल तो मौका आपको दिया था, बोलते हो कि भाजपा को हट जाना चाहिए, कांग्रेस को फिर से आ जाना चाहिए। 5 साल जनता ने आपको मौका दिया था महोदय, जनता ने आपको बनाया, सरकार आपकी थी, सत्ता आपकी थी, मंत्री आपके थे, मुख्यमंत्री आपके थे, तो 5 साल के बाद आखिर जनता ने आपको क्यों ना करा? क्यों जनता को आप पसंद नहीं थे, कांग्रेस पार्टी जनता को पसंद नहीं आई, जनता आप लोगों के कार्य से खुश नहीं थी, तब तो फिर से उन्होंने भाजपा को मौका दिया। और भाजपा की सरकार बिल्कुल सही जा रही है, और जनता के हित के लिए जो काम रहेंगे उसको हमारी सरकार बिल्कुल करेगी। आप दोनों से ले लूंगी, नहीं हो रहे हैं, ठीक है, एक एक फाइनल कॉमेंट मैं आप दोनों से ले लूंगी क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं है। जावेद जी, फाइनल कॉमेंट आपका इस पे।
देखिए आज मैंने खुद से कहा धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी का कि हमने जो लगातार सड़कों पे उतर करके इनको चेताया कि आपकी सरकार डीरेल हो गई है, आपकी सरकार पटरी से उतर गई है, जनता को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, ब्यूरोक्रेट हावी हो गए, किस तरह से लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, छात्राओं को डरा करके धमका के जेल जाने तक की धमकी दी जा रही है। आज कहीं ना कहीं आज मुख्यमंत्री जी जब समीक्षा किए तो उनकी आंखें खुल गई है के सच में जो जनता के लिए योजनाओं की हमने बौछार लगाई वो योजना धरातल में उतरी नहीं है। हमें उम्मीद है कि आज के बाद कम से कम विपक्ष के दबाव में ही सही आपने बैठक ली, बैठक लेकर समीक्षा की, समीक्षा के बाद जब आपके सामने सब कुछ खुल चुका है तो आगे चल करके आप जो गलतियां किए वो गलतियों को नहीं दोहराएंगे। 5 साल सत्ता आपके पास में है, अच्छे से कार्य करेंगे। अगर आपके बस में है कार्य करना तो वैसे मुझे नहीं लगता कि ये चेतने वाले हैं, क्योंकि अहंकार में डूबे हुए सत्ता के नशे में चूर है। इन्हें लगता है कि जनता ने इन्हें चुना है, बिल्कुल जनता ने इन्हें आपको चुना है, लेकिन किस एवज में चुना है? आपने एक चुनी हुई सरकार को ईडीआईटी सीबीआई के दम पर बदनाम किया, इसके वजह से चुना है। अब ये वही जनता है जो आपको 14 में उतार चुकी थी और आने वाले समय में फिर से आपको उतारेगी। ठीक है जावेद जी, प्रीति जी एक फाइनल कॉमेंट आपसे। देखिए भाजपा बिना तथ्य की बातें तो करती नहीं है, जैसे भाई साहब ने तो एकदम जज बन के फैसला सुना ही दिया है। और दूसरी बात मैं बिल्कुल आग्रह करूंगी कि जैसे पीएससी घोटाला हुआ छत्तीसगढ़ में जिसमें 18 लोगों के नाम, अरे 2003 में भी पीएससी, 2005 में भी पीएससी घोटाला हुआ था, आप छोड़ो। फाइनल कमेंट ले रही हूं मैं, फाइनल कमेंट ले रही हूं। खाली कांग्रेस 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 कांग्रेस, अरे सरकार में आप हो, सत्ता में आप हो, आप क्या कर रहे हो ये तो बताइए। आप सत्ता में है ना, भूल गए कांग्रेस को, जावेद जी को विपक्ष में है आप, ठीक है एक एक करके मिला तो मेरे मौके को बोलने दीजिए, सुनने की भी क्षमता रखिए महोदय, इतना हाइपर होने। चलिए ठीक है, प्रीति जी जावेद जी देखिए वक्त हमें कितनी इजाजत दे रहा है। लड़की को बोला था कि ए लड़की राजनीति मत कर, जहाँ तक भाजपा, अरे आप क्या कर रहे हो ये बताओ बहन मेरी। जावेद जी प्रीति जी आपके सत्ता है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए। कांग्रेस जाप बंद कर दो, कांग्रेस जाप बंद करो। चलिए प्रीति जी जावेद जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में जुड़ने के लिए और अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए जिस तरह से आज कलेक्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, ब्यूरोक्रेट्स को लेके तमाम तरह की बातें कही गई है, बीजेपी की तरफ से भी कई निर्देश दिए गए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से कि ब्यूरोक्रेट्स आम जनता की सेवा के लिए होते हैं और ऐसे में उनकी तरफ से किसी भी तरह की कोई गलती या खामी नहीं होनी चाहिए, अपनी भाषा पर भी संयमता रखने की जरूरत है। विपक्ष की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये विपक्ष का धर्म होता है कि इस तरह से सत्ता पक्ष को लेके जो चीजें उन्हें सही ना लगे उस पर वो अपना सवाल रख सकते हैं। तो इस कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का कितना पॉजिटिव नतीजा हमें देखने को मिलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।